हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि शॉपिंग करनी थी रक्षा राखी की। तो हम और जूही जा रहे थे एंड ये देखिए मैं कहाँ क्या क्या देखते हुए जा रही हूँ। और इस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज आ रही होगी। बट एक दिन पहले मेरी तबीयत ठीक थी, दूसरे दिन मुझे फीवर सर्दी सब कुछ हो गया था। तो जूही की भी आँख में प्रॉब्लम है तो जूही को भी दिक्कत हो रही है, बट अर्जेंट था, जूही को भी उस वहाँ जाना है, सुल्तानपुर जाना है अपने भाइयों के लिए, तो राखी लेना ज़रूरी था तो हम लोग राखी लेंगे। और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए तो हम लोग जा रहे हैं पत्रकार। और आ गए हम लोग कलकत्ता, मार्केट है, बाज़ार है वहाँ पर, मतलब आए हैं। वहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते बट आप त्यौहार के टाइम जाइए तो समझ में नहीं आता। एक एक ऐसा ये मॉल था जहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और हम लोग एक दो जगह गए थे जो कि बहुत भीड़ थी, जहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये है कलकत्ता मॉल, तो हम लोग यहीं आए थे और यहाँ के कपड़े इस समय मुझे थोड़ा पसंद आ रहे हैं ज़्यादा। हम लोग के साइड ये अभी जल्दी ही खुला है तो बस जूही देख रही थी भैया जी के लिए टी शर्ट और मैं बना रही थी वीडियो। मुझे कुछ ज़्यादा खास लेना है तो मुझे लेना था नित्या के लिए, क्योंकि मैंने एंजल के लिए मंगा लिया, किकी के लिए मंगा लिया बट नित्या के लिए नहीं आ पाया। तो मैं नित्या के लिए देख रही थी बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये देखिए जूही कन्फ्यूज है, भैया जी के लिए टी शर्ट निकाल के देख रही, अच्छा भी लग रहा था बट जूही को लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा है भाभी। और आज वो सोच रही काश के ले लेते क्योंकि फिर जाने का मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को, क्योंकि घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार निकलना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. Cause losing you was worse than losing hope. And baby. तो हम लोग आ गए हैं घर और काफी भीड़ है बाहर, इतनी भीड़। मेगा शॉप या कहीं भी जाइए लोग कुछ भी कपड़े खरीद ले रहे हैं और त्यौहार के टाइम वो लोग कोई भी कपड़े लगाए हुए हैं। मेरा तो मन हो रहा था हम कब घर आ जाए, तो मैंने मेगा शॉप में वीडियो नहीं बनाया एंड पत्रकार पे भी नहीं बनाया। बहुत बहुत भीड़ थी, बस ये हो रहा था घर, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही बेटर लग रही। और राखी जूही ने ले लिया है और मेरी भी राखी बन के आ गई है और आएगी बन के, ऑर्डर दिए मतलब वो भैया हम लोग के घर तक ही पहुँचा देंगे, नहीं तो पत्रकार से बन के आ जाएगी। तो मैं राखी बनवाती हूँ क्योंकि वो भाई लोग एक साल तक बांधे रहते हैं, इसका ये होता कि कहीं टूट जाता क्या है। तो मैं एक साल से पिछले साल भी मैंने बनवाया था, अभी तक भैया लोग पहनते और टूट भी जाता, जिन भैया से मैं बनवाती हूँ फिर उनके पास चले जाती हूँ, तो इस बार भी मैंने बनवाया है। अब भी मैं दिखाती हूँ आपको जो जूही लेके आई है। ये देखिए जूही राखी लेके आई अपने भैया लोग के लिए। तो ये देखिए ये जूही राखी लेके आई है तीनों, एंड इधर लाई है और उसके मामा के लड़के हैं और लोगों के लिए, ये परू के लिए आया है एंड ये छोटे छोटे क्लिप। और ये देखिए ये राखी मैंने बनवाया है और ये आई है परू के, मेरी किरण मामी है उनका पोता है किट्टू के लिए ये आई है राखी। एंड ये राखी मैंने बनवाया है, मतलब मैं ये मोती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी पॉलिश नहीं जाती, इसकी पूरी गारंटी होती है। एंड ये नज़र वाला होता है, मैंने पिछली बार ब्लू में बनवाया था, इस बार पर्पल में है। तो ये मैंने अपने भाई लोग के लिए बनाया एंड भाभी के लिए भी ऐसा बनाया बट अभी वो बन के नहीं आया है, वो आ जाएगा तो ये मैं बांधती हूँ। ये साल भर मेरे भैया लोग बांधे रहते हैं आराम से, तो मैंने ये राखी बनवाई है। और जैसा मैंने बनवाया वैसे ही जूही ने भी मेरे बेटों के लिए बनवाया, क्योंकि वो लोग भी एक साल तक राखी बांध के रखते हैं। तो जूही भी पिछले साल अथर्वदी के लिए उसने भी राखी बनवाई थी, तो अभी तक वो लोग बांध के रखे, तो मुझे अच्छा लगता बच्चों के हाथ में एक राखी बंधी हुई रहे। तो ये आइडिया मुझे आया था कि मेरा जो छोटा वाला भाई था उसको इतना शौक था कि वो राखी खराब भी हो जाती थी वो बांध के रखता था। इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है बट अच्छा लगता है। आजकल तो वैसे भी राखियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी, बट हाँ आप प्राइस अच्छे से लगवाई तो सही रेट, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं प्राइस बताऊँगी। वैसे आजकल तो हर जगह सेम प्राइस में मिलता, आप लोग को पता ही होगा। तो जूही ने भी मेरे बेटों के लिए बनाया बट मेरे में जो पर्पल कलर मिला है नजरिया वाला, इस बार भैया के पास नहीं था, मतलब मैं एक महीने पहले ही मैंने पसंद करके रखवा दिया था, तो ब्लू कलर वाला ही तो वही लगा है। और ऐसी डिज़ाइन में सेम मेरे बच्चों के लिए भी है। और पिछली बार ये देखिए जूही ने ये वाला बनवाया था, ये अभी तक देखिए बच्चों ने बांध के रखा है, कैट आई है, ऐसा ही कैट है इन लोग के लिए, लेकिन इस बार बड़ा साइज जूही ने बनवाया है और सेम दो लेयर में ऐसा ही, क्योंकि ये दोनों बांध के रखते हैं। तो अथर्वदी के लिए परू बनवा रही है एंड परू का जो गिफ्ट आया है मेरा आने वाले वीडियो में आप देखिएगा, जो मैंने सारे कपड़ों का वाला वीडियो डाला है, ब्लॉग डाला है सॉरी, उसमें है
परू का टेंट हाउस एंड परू का लग गया है परू में। परू अपने टेंट हाउस में बैठी थी, कैसा लगा आपको टेंट हाउस? यहाँ आओ, आप परू को देखिए कैसा लगा। आप दुपट्टा लेके क्यों घूमती हो परू? मुझे मम्मा पापा खेले। परू मम्मा पापा खेल रही है एंड परू का टेंट हाउस लग गया है, उसमें भैया जी ने पंखा भी लगा दिया है, तो अभी मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाती हूँ। जाओ बड़े पापा पास, जाओ बड़े पापा पास। ये कौन नाच रहा है ये? जाओ बड़े पापा, जाओ घोड़ा बन गए घोड़ा। अरे ये घोड़ी बन गई है परी, ऐसे नहीं करो। उधर घोड़े के पीछे घोड़े के दुम पे थोड़ा मार। बन गया घोड़ा, घोड़ा बन गया, बन गया, बन गया। अब लड्डू भैया जरूर जरूर खोल पा। सरप्राइज, ये तो बता दो। नहीं अजू को नहीं, ये जो सरप्राइज मैंने गेस कर लिया था यार, तो सोनू भैया को भी ऐड कर लो। देखो मामी केक बना के भेजी हैं, मामी का केक। चाची देखो कितनी मेहनत की, चुप्पे चुप्पे खुश हुए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो मामी कितना अच्छा केक बना के भेजी है। इसका काल देखो, हैप्पी बर्थडे। यजू अरे पहले बर्थडे विश करी अनु जी, पहले बर्थडे क्या खेला? अरे यार बहुत गहरी नहीं, गिफ्ट भी रख दीजिए। यजू देखो, थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू, कहा लाल हो गया उसका, खिला दो पहले चाचा, खिला दो पहले मम्मी को पहले पापा को। अरे ठीक है, मैं तो गरम एकदम। पापा अच्छा है, भाभी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। अब आटे का ही बनाइएगा स्वास्तिक, ये यजू का गिफ्ट, यजू का गिफ्ट आराम से। मुझे पता है चार्जेबल बैटरी की नहीं। हाँ चार्ज वाला अच्छा वाला लिए भैया। अरे सबको पहले बोलो थैंक यू। कैसा लगा? कैसा लगा बेटा? मौसा जी, मौसा जी, जय श्री माधव। थैंक यू, जय श्री माधव।
बहुत अच्छी चीज। ये देखो तुम्हारे पे पेच मिल गए, ये रख लो। ये अद्विक का गिफ्ट। हाँ बैटरी नहीं है। भाभी आटे का केक बहुत टेस्टी बना है। ये चार्जेबल बैटरी बहुत टेस्टी। देखिए बैटरी इसमें डालनी पड़ेगी। अरे ये पेच कैसे लगा है? ये देखिए लड़ाई हो रही भाइयों। भैया लोग के लिए मैंने जैसे ये बनवाया तो मैं एक रक्षा और बांधूंगी, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि रक्षा जरूर बांधना चाहिए। एंड भाभी के लिए मैंने ये, मैंने भैया को बोला था ये थोड़ा और लंबा करिएगा, बट उन्होंने किया नहीं। फिर भी अच्छा, चलिए ज़्यादा लटकेगा तो डिस्टर्ब करेगा, इतना ही अच्छा है। तो ये मेरी भाभी के लिए। एंड जूही ने बनवाया सेम, परु बांधती है मेरे दोनों बच्चों को। तो ये देखिए जूही ने बनवाया है, ये देखिए। और ये मेरे बच्चों का साल भर बंधा रहता है। एंड परू रक्षा भी लाएगी, परू भी इन दोनों के लिए। तो जी, और इसके पहले जो मैंने बनवाया था उसकी मोती थोड़ी सी मोटी मोटी थी, बताते हैं आपको, ऐसी मोती थी। तो मुझे थोड़ा हर साल चेंज चाहिए होता है, तो मैंने इस बार चेंज किया छोटी छोटी मोती। अब देखिए भैया जी मेरा वीडियो ख़राब करने चले आते, ये देखिए कहाँ होगा, अब भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। तो हम गए थे मार्केट अद्विक के लिए गिफ्ट लेने, उसको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए था, तो बस इसी के लिए गए थे। और बहुत ज़्यादा थके थे क्योंकि ये लेट में आए थे। एंड अमीनाबाद गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और तो अमीनाबाद गए, अमीनाबाद है थोड़ा सा, मतलब जब थके तो दूर लगता है। फिर हुसैनगंज गए थे तो भाभी ने बना के दिया, तो फटाफट मतलब हम लोगों ने खाना खाया। फिर अचानक ये हुआ कि यजू के लिए केक नहीं लिया, तो भाभी ने फटाफट आटे का केक बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अब वहाँ भी करते क्योंकि स्वास्तिक बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो अब मैं चलती हूँ। एंड अद्विक का बर्थडे वैसे मंडे को है और हम सबका व्रत रहता है सावन का सोमवार। तो देखते हैं, कल तो नहीं करेंगे हम लोग बाहर पार्टी। अद्विक के दोस्त हैं, उन लोग को स्कूल में ही पार्टी देंगे, वहाँ कैंटीन है तो वहाँ टोकन होता है, टोकन हम लोग कटवा देंगे पैसे देके। मतलब जो भी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अद्विक के दोस्त हैं, अद्विक मतलब इनके पापा जाके टोकन कटवा देंगे, तो सारे बच्चे वहाँ पे ही पार्टी कर लेंगे कल। और उसके बाद हम लोग की पार्टी कल तो हो नहीं सकती, उसके बाद परसों या तो जैसा सही दिन होगा, सब जैसा फ्री होगा वैसे मंगल नहीं तो बुधवार को कर लेंगे। क्योंकि राखी आप लोग कब मना रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 30 को भद्रा लग जाएगा। 30 को ही मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं और 31 को स्कूल है मेरे बच्चों का। 30 को रात में 9:02 पर भद्रा हटेगा, राखी का शुभ मुहूर्त है, तो हम लोग 30 की रात में ही सोच रहे हैं। तो अद्विक का बर्थडे 30 को ही सोच रहे, बट अभी दीदी जी से बात कर लें कि उनको कहीं राखी बंधवा के और कहीं ना जाना हो, तो फिर डिसाइड करेंगे इनका बर्थडे पार्टी कब होगी। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।